हाय गाइस, अगर आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं यूटीआई से या फिर आप पैन कार्ड बना रहे हैं यूटीआई से, अगर आप सीएससी भी ले ली हैं तो डॉक्यूमेंट देखिए किसे अपलोड करते हैं। चलिए हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन किए हुए हैं और यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं पैन। ठीक है, तो ये रहा पैन, इस वाला पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक हियर पे हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से अपना यूजर आईडी पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, आप देखिए कुछ इस टाइप से लॉगिन हुआ पड़ा है। तो आपका एक सीएसवी किस टाइप से अपलोड करते हैं वो आपको दिखाने वाले हैं, और सीएसवी अगर आप हैं खुद तो आप इस टाइप से अपलोड करेंगे। अप्लाई करने के लिए ये यहाँ से था, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से हमने अप्लाई किया था लेकिन अभी हमें अपलोड करना है, तो अब उसके लिए भी यहीं पे जाना है, अप्लाई न्यू पेन और नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, इस पे क्लिक करेंगे, है ना। तो कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो हमने इसका अभी जो है कि अप्लाई किया है और सारा कुछ क्या क्या साइज है उसका हमने ये रेडी कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस अपलोड पे क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, उसके बाद पिक्चर यानी फोटो, सिग्नेचर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो ये रहा, पहले पीडीएफ फाइल में हमने कन्वर्ट किया हुआ था सारा डॉक्यूमेंट एक साथ, ठीक है। तो ये है, ये वाला है, इसको यहाँ से किया हमने तो आ गया यहाँ पे। उसके बाद पिक्चर यानी फोटो, तो ये वाला है यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्लिक करके फिर से उसका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर ये वाला था, ठीक है, ओके, ओपन किया तो यहाँ पे आया हुआ है सारा कुछ। अब क्या करेंगे, इस अपलोड पे क्लिक करेंगे। देखिए इसका क्या क्या साइज होना चाहिए सारा कुछ आपको वहीं सामने मिल जाएगा, ठीक है। और इस पर कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं एक पीडीएफ फाइल में, आधार कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है सारा कैसे बनाते हैं उस पर हम वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। पिक्चर को भी यानी फोटो को इस साइज पे कैसे लाते हैं वो सारा, ठीक है। अब हम अपलोड पे क्लिक कर रहे हैं और देखते हैं कब तक अपलोड हो पाता है। मेरे यहाँ इंटरनेट काफी स्लो चलता है, इसीलिए हम फेस स्कैन वीडियो नहीं बनाते हैं, सामने हम दिख नहीं रहे फिलहाल, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है मेरा एमबी में और वो अपलोड नहीं होता है इस वजह से। तो देखते हैं, ये अपलोड होने दीजिए, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर इतना, ठीक है। तो चलिए हम ओके कर देते हैं, अभी अपलोड करने का कुछ बचा नहीं है और ये 3 से 4 दिन में बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका जो है कि सीएससी वैली अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।